देखो हमने क्या किया अभी तक, कि अगर ये अर्थ है, हमने ये किया कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, तो फोर्स वेक्टर कहाँ होगा? नीचे। ई भी कहाँ होगा? नीचे। जी भी कहाँ होगा? नीचे, ग्रेविटी भी नीचे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, ये भी रिजल्ट किया, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आपका पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। राइट, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिटवीन ई वेक्टर जो कि स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड डीवी पोटेंशियल। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ई वेक्टर जो होगा, जो फील्ड वेक्टर ई वेक्टर है, माइनस डीवी बाय डीआर। ये फॉर्मूला का प्रूफ हम नहीं करेंगे प्लस वन में, प्लस टू के अंदर इसका प्रूफ आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वहां से करेंगे। तो अभी आपको याद ही करना पड़ेगा ये रिजल्ट जो है, इसको रिमेंबर लिख लेना, रिमेंबर इसका प्रूफ नहीं हम कर रहे। तो ई वेक्टर यानी कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, उसको उसका पोटेंशियल से क्या लेना देना है, ये फॉर्मूला है। मैं यूज करना सिखाऊंगा, यूज करना आएगा। जैसे आपको किसी न्यूमेरिकल में वी देगा वो, जैसे वी उसने क्या दिया, टू एक्स क्यूब, तो वी किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। क्या निकालना है? ई वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या है? माइनस डी वी बाई डी आर। नहीं, यहां पर क्योंकि फंक्शन वी का किस में चल रहा है? एक्स में। वी किस पे डिपेंडेंट है? एक्स। तो यहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं, क्या आएगा? एक्स। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस, तो पीछे कैप कौन सा आएगा? आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सब कुछ चल रहा है, तो कैप क्या आएगा? आई कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कैसे लगाना है? वी आपको किस में गिवन है? एक्स की टर्म में, तो आर की जगह यहां पर क्या कर देना है आपने? एक्स। क्लियर यहां तक? और एक्स एक्सिस है तो यहां पर आई कैप, बस इसको डिफरेंशिएट कर लो, टू बाहर आ गया, एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन टू एक्स स्क्वायर, आंसर। जैसे अगर ये वी वाई की फॉर्म में गिवन होता, तो हम यहां पर क्या कर, माइनस डी वी बाई डी वाई कर देते, और पीछे कैप क्या लगाते? जे कैप। तो वी की जगह पुट कर दो टू वाई स्क्वायर, टू बाहर आ गया, वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन टू वाई, आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब प्रॉब्लम तब है जब v के अंदर x भी है, y भी है और z भी है। अब बोलो क्या करें डिफरेंशिएशन में, ना तो x लगे, ना y, ना z। ऐसा हमने वर्क पर एनर्जी में भी किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर क्या करना पड़ता था, माइनस dv बाय dx i कैप, dv बाय dy j कैप, और ऐसे dv बाय dz k कैप। ये हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, राइट? तो आपने क्या करना है इसमें, और लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के लिए नहीं है कुछ भी ऐसा, ठीक है? तो ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। तो v की वैल्यू को यहाँ पुट किया, v की वैल्यू को यहाँ पुट किया, और यहाँ तीनों जगह पुट किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए इसको ओपन कर दिया, d बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई किया तीनों के साथ। पार्शियल में क्या करवाया था कि अगर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x है, तो y और z सब कॉन्स्टेंट माने जाते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, इसकी एज इट इज कर दो थ्री एक्स स्क्वायर। इसमें y के साथ डिफरेंशिएशन है, तो y की तो करनी पड़ेगी, x और z को जीरो, ऐसी z के साथ है तो ये जीरो, तो सॉल्व करके आंसर आएगा। तो हमने किया था पार्शियल। चलो इन एनी केस, अब सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल जो आपको आ सकता है वो ये आ सकता है, स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन में आएगा। ये शीट नॉर्मली कंपटीशन की ही है, वैसे बता दूं मैं, एनसीईआरटी की नहीं है। एनसीईआरटी की सिंपल शीट होती है, जैसे फोर्स के ऊपर, या जैसे अभी हम कर रहे थे पुराने वाली एसएल की बुक जब करोगे, उसमें आपको पता लग ही जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभी हमने जो दो तीन क्वेश्चन किए उसमें वी में आपको दे रहा था और ई पूछ रहा था, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उल्टा ई दे रहा हूँ और वी पूछ रहा हूँ। तो जब मैं वी दे रहा था और ई पूछ रहा था तो डिफरेंशिएशन, अब ई दे रहा हूँ वी पूछ रहा हूँ तो इंटीग्रेशन। फॉर्मूला यही चलेगा, एक्स की फॉर्म में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि आपको ई दे रहा है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म ई की वैल्यू को, ये पूरी की पूरी ई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा आंसर। उल्टा काम है इसमें, इंटीग्रेशन का काम है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज करो उसने फिर आपको वी दिया, इस बार ई नहीं दिया, इस बार आपको वी दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, ई निकालना है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, कब? एट एक्स इज इक्वल टू पी। एक कॉमन मिस्टेक है, लोग क्या करते हैं, आप पहले यहां पर x को क्या पुट कर लेते हैं, p, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, गलत। एंड में पहले e निकलेगा,
फिर x की जगह p पुट करना है। अब लोग पूछते हैं वो क्यों, देखो आपको याद होगा मोशन का चैप्टर था कि जिसमें मैं कहता था x इसके इक्वल है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या करते हो, पहले 1 पुट करते हो? नहीं, पहले डिफरेंशिएट करते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो, फिर टाइम को 1 पुट करते हो। बिल्कुल वैसे ही पहले आप इंस्टेंटेनियस e निकालोगे, फिर उसके बाद x को p पुट करोगे। तो पहले e निकाल लें, e निकालने के लिए e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहां पर हर चीज किस में चल रही है, x में, p इज अ कॉन्स्टेंट। तो ये पुट कर दिया, 8 बाहर आ गया, u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, p कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x। बस इसे सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा, और एंड में x की जगह क्या पुट कर देना है, p। जैसे p पुट करोगे आंसर क्या आ रहा है, 0। चलो जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन है, मेथड समझ में आ रहा है ठीक। तो कैसे, अगर v गिवन है तो कैसे e निकालना है, और e गिवन है तो कैसे v निकालना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट आज का, जिसमें आपको e दे रहा है, फिर से e दे रहा है x एक्सिस के अलोंग, और क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 एट इंफिनिटी। ये याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों 0 होते हैं इंफिनिटी पे। वो क्यों, ऐसा क्यों, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो पोटेंशियल है वो 0 होते हैं एट इंफिनिटी। वो क्यों, क्योंकि माइनस जी एम एम बाय आर, जब आर को डिनोमिनेटर में इंफिनिटी पुट करोगे, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, सही है। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल भी 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, वह सब कुछ ही 0 होता है, फोर्स भी 0 होती है, ई भी 0 होता है ठीक। तो ई पता है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की जगह वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ये वैल्यू, इसे इंटीग्रेट किया, उसने क्या कहा, पोटेंशियल 0 है जब डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी। लिमिट के लिए बता रहा था वो आपको, आपको इनडायरेक्टली लिमिट्स लेने को कह रहा है कि जब डिस्टेंस इंफिनिटी है पोटेंशियल की लिमिट 0 है, जब डिस्टेंस x है तो पोटेंशियल वहां पर v है, तो आपको v निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो ये v बन गया, x रेज टू पावर माइनस 3/2 क्या होता है, x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस हाफ बाय माइनस हाफ, तो यहां से माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर चला गया, x की पावर माइनस हाफ का मतलब 1 बाय रूट एक्स। एक बार x की जगह x, एक बार x की जगह इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। आंसर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मार्किंग को आएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव मार्क करना स्कूल में नहीं आएगा।